हाँ जी, एक मिनट है। ये वाणी डायरेक्ट बाबा ने टैप रिकॉर्डर में भरी हुई, इसमें काट पीट नहीं हुई है। पहले बाबा लंबी लंबी वाणी चलाते थे, फिर छापने वालों ने उसमें से कट पिट करके 3 पेज की 3.5 पेज की वाणी निकाली। ये तो बाबा के ज्यों के त्यों वर्षन से हैं। हाँ जी। और पहले नंबर की सेवा है बाप की एक्यूरेट याद में रहते हुए सारी दुनिया को वाइब्रेशन से खींचना, बाप का बनाना। और राम अवतार संगम में राम सीता को दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? कहाँ दिखाया जाता है राम सीता को? राम सीता को तो त्रेता में दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो संगम को कोई जानते भी नहीं है। हाँ। और कैसे सुने थे जहाँ तुम्हारी यादगार है वहाँ तुम भी चैतन्य में बैठो। दिलवाड़ा मंदिर की बात बताई। कट गई कि वो क्लियर नहीं हो पाई, तो कहाँ तुम बैठे हो? वही बात बताई ना, तुम जिनसे कहा वो कौन से बच्चे हैं? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लामवंशी हैं, बौद्धिवंशी हैं। तुम किससे कहा? सूर्यवंशी बच्चों से कहा। जो सूर्यवंशी बच्चे अंत में माउंट आबू में बैठ करके सारी दुनिया को वाइब्रेशन देंगे, और उसी क्षेत्र में बैठ करके वाइब्रेशन देंगे जहां दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। इसलिए बोला कि वहीं तुम्हारा यादगार बना हुआ है। यही बताने के लिए कि जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जिस एरिया में बना हुआ है, उस एरिया में ही बच्चों ने बैठ करके सारे विश्व को याद का वाइब्रेशन दिया है। तपस्या में बैठे हैं। और कंपिल में भी, जैसे दिलवाड़ा में जैनियों की यादगार बनी हुई है। श्वेतांबर मंदिर सफेद मूर्तियों का, और दिगंबर जैन मंदिर काली मूर्तियों का, नग्न मूर्तियों का। कंपिल में भी वो दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर बने हुए हैं। यादगार वहां भी है और ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जो दिगंबर जैन मंदिर है उसमें आदिदेव की काली मूर्ति भी रखी हुई है और जो लास्ट में आप हमारे ऊपर से आती है वो बहुत ज्यादा शांति बात में है, जो ऊपर से आत्माएं लास्ट में आती है बहुत ज्यादा शांति पाती है। हाँ, ज्यादा लंबे समय तक शांति धाम में रहती हैं। चाहे वो ज्ञान सुने, वो लास्ट वाली ज्ञान थोड़े ही सुनेंगी, फिर भी शांति में तो रहेंगी। जो बहुत ज्ञान सुनते हैं वो सुख में रहते हैं, क्योंकि ज्ञान से दुखों से मुक्ति भी होती है और जन्म जन्मांतर के सुखों की प्राप्ति भी होती है। लास्ट में आने वाली आत्माएं तो सिर्फ याद में रहेंगी, ज्ञान नहीं सुनेंगी उतना। और देवता धर्म की आत्माएं हो रहा है वो कब आ जाती है? सब सबको यहाँ हर धर्म की आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक आती रहती हैं। हर धर्म की आत्मा, हर धर्म की आत्मा, देवी देवता धर्म की भी आत्माएं रहती है। देवी देवता धर्म की भी आत्माएं संगम में स्वर्णिम काल के आदि से लेकर कलियुग के अंत तक आती रहती हैं, जब तक बाप की प्रत्यक्षता हो, जब तक नया संवत शुरू हो। संवत एक 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 तब तक आत्माएं आती ही रहेंगी। जिसके नाम वाला हो रहे वो अंत में आने वाली आत्माओं का कोई नाम वाला नहीं होता है, इसलिए मुरली में 500-550 करोड़ आत्माओं का जिक्र कई बार आया है, लेकिन एक दो बार 700-750 करोड़ आत्माओं का भी जिक्र आया है। वो 200 करोड़ आत्माएं जैसे कि कीड़े मकोड़े मिसल हैं, एक दो जन्म लेने वाली हैं, आई और गई। मनन चिंतन की शक्ति वाली नहीं है, मनुष्यों की कोटि की नहीं है। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद हैं। जैसे बरसात में पतंगे रात में ढेर के ढेर पैदा हो जाते हैं और सवेरे को मर जाते हैं, वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं जो मन का उपयोग ही नहीं करती हैं। और और कोई में से भी कोई ही मुझे बिरला ही आकर यहाँ पहचान, और मैं जो हूँ जैसा हूँ ठीक से मुझे नहीं पहचानता, और मूल मत की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जान पहचानता। तो मूल मत की कौन है? मूढ़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि अगर अकल, जिनकी मूर्खों जैसी अकल है, मूढ़ मती हैं, वो तो मेरे को पहचान ही नहीं सकते। कोई कोई बताया, कोई में कोई ही मैं जैसा जो पहचानते हैं बेसिक रूप में, वो बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, प्राइमरीली पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। कितने हैं जो ब्रह्मा के स्तर की पढ़ाई पढ़ते हैं? कितनी संख्या है? करोड़ों माने 33 करोड़। उन कोटों में से कोई निकलते हैं जो एडवांस ज्ञान लेते हैं। तो कहा जाता है कोटों में से कोई, और फिर उनमें भी चुनाव होता है। कि उन एडवांस वालों में कौन कौन है जो नंबरवार मालाओं में आते हैं, तब कहा जाता है कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई मुझे पहचानते हैं। जो हूँ और जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उसको कोई बिरले ही पहचानते हैं। वो भी नंबरवार हैं, पहचानने वाले एक जैसे नहीं है। और सिक्स्थ एलिमेंट क्या है? सिक्स्थ एलिमेंट छठवां तत्व, छठा तत्व, सूक्ष्म लोक में छठवां तत्व होता है, छठा तत्व। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर हैं। सूरज, चांद, सितारे भी 5 तत्वों से परे नहीं है। स्पेस में ये 5 तत्व फैले हुए हैं। स्पेस को ही आकाश कहा जाता है, परंतु 5 तत्वों से भी परे पांच एलिमेंट से परे भी एक छठा तुरिया तत्व है, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। वहां पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनमें से कोई तत्व नहीं होता। सिर्फ आत्माओं का प्रकाश ही प्रकाश है। वो महत् तत्व कहा जाता है। महान तत्व है। जैसे ब्रह्मा अनेक हैं, ब्रह्मा सो विष्णु रूप बनने वाले, भुजाओं के रूप में दिखाए गए विष्णु के रूप अनेक हैं। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटियस है, कोई ऊपर की है, कोई नीचे की है। नंबरवार हैं। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, परंतु उन ब्रह्मा कहे जाने वालों में महत् ब्रह्म एक ही है। जो विष्णु की 4 भुजाओं को कंट्रोल करने वाला है, कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परमब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, और वो जो तीसरी मूर्ति कही जाती है शंकर याद में बैठी हुई पुरुषार्थी रूप है। उसका भी गुरु है। वो पुरुषार्थी रूप नहीं है, संपन्न रूप है। इसलिए महत् ब्रह्म कहा जाता है। एक तरफ दिमाग की लड़ाई, एक तरफ नाश होता रहेगा और बच्चों को बहलाते रहेगा। कैसे बहलाएंगे? जो बाप के बनकर रहेंगे उनको बहलाएंगे। जैसे कुरान में आया है, जब कयामत होगी तो खुदा के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। बच्चा वो जो बाप की बात मानता हो। बच्चा बाप की बात ही नहीं मानता तो बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे बच्चे कयामत के समय में बाप की छत्र छाया में बड़े मौज में रहेंगे। भले दुनिया में मौत का बाजार लगता रहेगा, लेकिन वो बच्चे बड़े निर्भय रहेंगे। कोई भय के वशीभूत नहीं होंगे। हाँ, माउंट आबू में अचल घर जो बना है वो किसकी याद है? ऐसे ही अचल बच्चों की यादगार है। कि दुनिया डावाडोल होगी, वो बच्चे डावाडोल नहीं होंगे। शरीर रूपी घर होगा ना, बिना शरीर रूपी घर के थोड़े ही होंगे। ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म शरीर होगा, स्थूल शरीर होगा, साकार शरीर होगा। साकार शरीर में रहते हुए भी आत्मा निश्चल रहेगी। साथ में अर्थ में रहता है, साथ में अर्थ में रहता है, ऐसा कुरान में लिखा है। ब्रह्म में तत्व को सातवां तत्व, छठा तत्व साथ में अर्थ में रहता है, ऐसा कुरान में। उनकी पहुँच जहाँ तक है उतना ही जानेंगे ना। टोटल नारायण कितने हैं? नौ नारायण हैं। नौ नारायणों में से संगमयुगी नर नारायण वो असल सूर्यवंशी है, और सतयुग का नारायण फर्स्ट वो सूर्यवंशी भी है, और चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बना। तो दो नारायण अल्लाह वल्दीन के बनाए हुए हैं। बाकी के सतयुग के सात नारायण और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। उन सात नारायणों में से जो सतयुग का दूसरा नारायण है, सात नारायणों में से फर्स्ट कहा जाता है, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होता है? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है। उससे नीचे छह नारायण और हैं। इसलिए उनकी पहुंच सातवें नारायण तक ही है। आगे की बात वो क्या जाने। होता है लाइट का बना होता है, सही बाहर जाती है तो लाइट का जो प्रभा मंडल आभा मंडल बना रहता है, वो तत्व नहीं निकलता है, उसको तत्व नहीं कह सकते, प्रकाश तत्व को नहीं कह सकते, जो लाइट है जिसकी आभा बनी रहती है। शिव बाबा परमधाम वासी है, महत् तत्व का रहने वाला है, परंतु इस दुनिया में जब आता है तो ब्रह्म महत् तत्व में आता है। सूक्ष्म वतन में नहीं आता है, सूक्ष्म शरीरधारियों में भी नहीं आता है। इसलिए मुरली में कहा है सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में मैं नहीं आता हूं। ये सूक्ष्म शरीरधारी जितने भी होते हैं वो ज्ञानी आत्माएं हैं, या अज्ञानी आत्माएं हैं। बहुत पाप करते हैं तो उनके पाप बहुत ज्यादा न बढ़ जाएं, इसलिए थोड़े टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए भी उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। इससे साबित होता है कि वो अज्ञानी पाप आत्माएं हैं। अज्ञानी आत्माएं ज्यादा पाप करेंगी जन्म जन्मांतर, या ज्ञानी आत्माएं ज्यादा पाप करेंगी? तो शिव बाप अज्ञानी में आवेगा, देवता में आवेगा, या राक्षस में आवेगा, या मनन चिंतनशील मनुष्य में आवेगा? जो भगवान के ज्ञान की कदर ही नहीं करते उनमें क्यों आवेगा? तो सूक्ष्म शरीर ये अल्पकाल की चीज है। इस सृष्टि पर सदा काल पार्ट बजाने वाला तो स्थूल शरीर ही है। और है पांडवों की आत्मा हाँ कौन सी आत्मा? प्रवेश करने वाले पांडवों का किला ज्ञानियों का किला है या अज्ञानियों का किला है? तो जो ज्ञानियों का किला है उसको तोड़ने के लिए अज्ञानी कोशिश करेंगे या ज्ञानी कोशिश करेंगे? भारतवासी ज्ञानी है, विदेशी अज्ञानी है। भारतवासी ज्ञान में जिंदा रहते हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, बौद्धिवंशी हो, सन्यासी हो, सिख हो। भगवान की महिमा में रहना माना ज्ञानी आत्माएं। जो अज्ञानी है वो ही तोड़ने का काम करते हैं। अभी ज्ञानी और अज्ञानी सब मिक्स हुए पड़े हैं। और भारत में, खास भारत की राजधानी दिल्ली में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों का बराबर बराबर जमावड़ा है। तो दिल्ली का किला अभी पत्थर बुद्धियों का किला है या पारस बुद्धियों का किला है? अभी कहेंगे पत्थर बुद्धियों का किला। ये नई दिल्ली तो खास क्रिश्चियंस के द्वारा बनाई गई है। अभी बाप आया है पारस बुद्धि पांडवों का किला बनाने के लिए। बाप एवर प्योर है तो एवर प्योर बाप क्या बनाएगा? पवित्र आत्माओं की यूनिटी बनाता है। एक बार पवित्र आत्माओं की यूनिटी स्थापन हो गई तो अपवित्र आत्माएं अंदर आ ही नहीं सकेंगी। अभी तो बार बार किला बनता है, बार बार टूट जाता है। घुसपैठिए घुस जाते हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं। फिर जब ये पांडवों का किला तैयार हो जाएगा फिर उसमें एक भी आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुराने संस्कार बार बार उदय हो जाते हैं, सभी संस्कार लुप्त हो जाते हैं। संगमयुग में भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक जैसे हैं या अलग अलग प्रकार के हैं? जो अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में कुछ अंतर रहा होगा या नहीं रहा होगा? प्रभाव में जरूर विधर्मियों की प्रभाव में आ जाते हैं। उसको कहते हैं दशाएं। कोई के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है, कोई के ऊपर शनिचर की दशा बैठ जाती है, कोई के ऊपर बहुत अच्छी दशा बैठ जाती है बृहस्पति गुरु की। ये दशाएं क्या हैं? जो नौ रत्न हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कोई अच्छे प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, कोई बुरे के संग में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है। संगम युग में फाउंडेशन पड़ रहा है, कभी बहुत अच्छी अवस्था बन जाती है, कभी एकदम नीची अवस्था बन जाती है। तो अभी संग के रंग से बहुत बचना है। देखना है कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बाप के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। बाप की रचना है, असल सूर्यवंशी हैं। जैसे सूरजमुखी फूल दिखाते हैं, उस फूल का मुख किस तरफ रहता है? जिस तरफ, जिस दिशा में सूर्य अपनी किरणें फैलाएगा उसी दिशा की तरफ मुड़ जाता है। तो ऐसे ही सूर्यवंशी बच्चे और किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं कि जितना ज्यादा माया का प्रकोप होता है उतनी ही ज्यादा तीव्र गति धारण कर लेते हैं पुरुषार्थ में। उनको क्या कहेंगे? कौन से वंश के कहेंगे? उनको सूर्यवंशी कहेंगे। और महाविनाश के समय अन्य धर्मों के फॉलोअर्स में वह ताकत नहीं होगी जो सुप्रीम कोर्ट को खींच सके। वो तो सिर्फ वो काट ताकत से याद करती है जिसके कारण जड़ प्रकृति और जड़ जीव जंतु सभी में परमात्मा की याद समा जाती है और सत्य बनती है। जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, फॉलोअर्स हैं, वो साकार में निराकार को खींचती है तो उनसे क्या लाभ मिलेगी? आत्माओं से लाभ लेना है यह परमपिता परमात्मा से लाभ लेना है। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, भाई से भाई को कोई वर्षा नहीं मिलता है। ये सुख शांति का वर्षा किससे मिलता है? एक बाप से वर्षा मिलता है। तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो सूर्य से ही रोशनी लेते हैं और कोई से ज्ञान की रोशनी नहीं लेते। तो मुरली से ही प्रभावित होंगे, बाप की डायरेक्ट वाणी से प्रभावित होंगे। और इसे बताया ब्रह्मांड का बोल है तो शिव को शिव बाबा को किस दिशा तरफ को याद किया? पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, अर्थात आकाश ही आकाश है और आकाश के चारों ओर परमधाम है। उसकी कोई सीमा नहीं, आकाश की भी सीमा है जो मनुष्य की जानकारी से परे है, अर्थात स्पेस की भी सीमा है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की भी सीमा है और पृथ्वी की तो सीमा है ही, तो परे से परे जो धाम है उसके लिए दिशा में नहीं बांधा जा सकता। ये नहीं कहेंगे परमधाम ऊपर है, वो परे ते परे है। पृथ्वी के वायुमंडल से भी परे स्पेस है, स्पेस से भी परे परमधाम है। परमधाम में आत्माएं बौद्धिक स्तर के आधार पर परे से परे कही जाती है। परमपिता परमात्मा सभी से परे है और उसको एक दिशा में नहीं बांध सकते। वो सारे ब्रह्मांडों को लेकर के अभिभूत करके रहता है। जैसे कि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी सभी पार्टधारियों को अभिभूत करके रहता है। ऐसे ही सभी आत्माएं हैं। 500 करोड़ आत्माओं को अलग अलग धर्मों में पार्ट के अनुसार बांटा जा सकता है। कोई बाद में आने वाले धर्म है, कोई पहले आने वाला धर्म है। जो पहले पहले आने वाले धर्म हैं, वो रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। जो बाद में आने वाले धर्मावलंबी हैं, वो पृथ्वी के पार्टधारियों के बीच में अल्पकाल का पार्ट बजाते हैं। जो जितनी पावरफुल आत्मा है, पावरफुल बैटरी है, पावरफुल आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, उसमें उतना ही बड़ा पार्ट अनुधा हुआ है। कमजोर आत्मा में कमजोर पार्ट नुधा हुआ है, थोड़ा पार्ट नुधा हुआ है। तो जो आत्माएं ऑलराउंडर हैं, वो परमधाम में और धर्म की आत्माओं से परे रहती होंगी या नीचे रहती होंगी? परे रहती हैं। जो सूर्यवंशी हैं, वो हर धर्म की आत्माओं को घेर करके रहते हैं। परमपिता परमात्मा से वह सबको घेर के रहता है। कोई उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मुरली में बोला, सारी डोरी संगमयुग में शिव बाबा के हाथ में है। फिर है प्रजापिता की आत्मा। नर से नारायण बनने वाले की आत्मा, जो 500 करोड़ पार्टधारियों के बीच में हीरो पार्टधारी है, वो भी परमधाम में 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माओं को अभिभूत करके रहता है। दिशा की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल को कंट्रोल करने की बात है। कौन कितने घेरे को कंट्रोल कर सकता है? जैसे सेना में जो मार्शल होता है, कोई राजा के यहाँ सेनापति होता है, वो सारी मिलिट्री को अभिभूत करके रहता है। सारी सेना में एक भी ऐसा बैरियर नहीं होगा जिसको वो कंट्रोल ना कर सके। ऐसे ही 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला बनी हुई है। नीचे का मणका ऊपर वाले को कंट्रोल नहीं कर सकता। ड्रामा में सब नियमबद्ध होकर के बंधे हुए। जैसे मिसाल के तौर पर औरंगजेब सारे भारत का सम्राट था, फिर क्या शिवाजी को कंट्रोल कर सका? कर सका? जैसे अकबर महान सम्राट अकबर कहा जाता है हिस्ट्री में, वो राणा प्रताप को कंट्रोल कर सका? नहीं कर सका। ऐसे ही हर धर्मावलंबियों के बीच में हीरो पार्टधारी हैं। क्रिश्चियनिटी में 150-200 क्रिश्चियंस हैं जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। एक भी क्रिश्चियंस में ऐसा पार्टधारी नहीं होगा जो कोई भी जन्म में क्राइस्ट वाली आत्मा को क्रॉस कर सके। तो हर धर्म की भी माला बनी हुई है। और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की भी माला बनी हुई है। माला में लेफ्टिस्ट मणके भी होते हैं और राइटियस मणके भी होते हैं। ऊपर के मणके होते हैं, नीचे के मणके होते हैं। लेफ्टिस्ट बहुत पावरफुल होते हैं। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो वाममार्गी होते हैं। वाममार्गी दुनिया में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी कितना भी प्रभाव हो जाए, जब हिस्ट्री में लड़ाइयाँ हुई हैं तो उन लड़ाइयों में ऊंचे धर्म का नीचे से नीचा योद्धा होगा। वो भी कभी सर नहीं झुकाएगा किसी के सामने। मरते मरते मर जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। उसको झुक जाना कहेंगे। झुक जाना नहीं कहेंगे। अंतमते सो गते हो जाती है। वो अगले जन्म में जन्म लेकर फिर मुकाबला करते हैं और आवश्यकता पड़े तो जन्म जन्मांतर मुकाबला करते हैं। अपने को नीचा रखना उनके स्वभाव में ही नहीं है। और आखिरी जब बाप आते हैं तो वो राइटियस मन के भी बाप की छत्रछाया में लेफ्टिस्ट मणकों के मुकाबले, आसुरी मणकों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल साबित हो जाते हैं। और हाँ, जो गुरु माने भारी है वो हल्के को खींच लेता है। पृथ्वी भारी है तो चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा कि चंद्रमा भी पृथ्वी में मिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मां की गोदी में बच्चा छिप जाता है। सितारों का क्या होता है? सितारों का चंद्रमा, पृथ्वी माता है, ज्ञान सूर्य बाप है और सितारे रचना है। रचना को रचयिता के कंट्रोल में आना ही पड़ता है। अन्यथा रचयिता रचयिता नहीं है। जो रचना के कंट्रोल में आ जाए, हाँ। भक्ति मार्ग में रामायण में दिखाया गया है कि शूर्पणखा का तो बताया नहीं कि रावण तो मारा गया है। रावण तो मारा गया, शूर्पणखा का बताया नहीं कि कहाँ चली गई, कौन कहाँ चली गई। शूर्पणखा कहाँ चली गई? रावण तो मारा गया। बैठो। जब रावण ही मारा गया और शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, तो ज्यादा पावरफुल थी या कम पावरफुल थी? है कम पावरफुल थी। जब ज्यादा पावरफुल का हाल बेहाल हो गया तो कम पावरफुल कैसे बचेगा? और कलियुग में क्या स्कूल रात नहीं होती है? अरे अभी कलियुग में देखो जाके, पैसे वैसे हों, तो हेलीकॉप्टर पर बैठ के जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, पृथ्वी गोल है ना, उसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल और नीचे का हिस्सा साउथ पोल कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वहां जाकर के देखेंगे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। अभी कलियुग में भी ऐसा होता है इस पृथ्वी पर, तो सतयुग में नहीं हो सकता, कलियुग में हो सकता है, तो सतयुग में तो और भी हो सकता है। वहां तो 6 महीने का नहीं, आधा कल्प का दिन होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, अंधेरा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा में वहां कभी अंधेरा नहीं होता। देह अभिमान का, जब आत्मा में देह अभिमान का अंधेरा ही नहीं होता है तो थकान होगी? थकान ही नहीं होगी तो रात की क्या जरूरत है? अरे नींद की भी उनको जरूरत है जो आत्म की स्थिति में नहीं रहते हैं, देहभान में रहते हैं। जिनको देहभान ही नहीं होगा उनको आराम करने की भी क्या जरूरत? आत्मा जागती ज्योति है या सोने वाला असुर है? तो असली आत्म की स्थिति में जब टिक जावेंगे तो सोने की दरकार रहेगी ही नहीं। कोई कहते हैं हमें नहीं ऐसा स्वर्ग चाहिए जहां चैन की नींद भी न हो। और अब मुर्गी में निकला कि गीत गाना भी नहीं है, गीत गाना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, गीत गाना भी नहीं है। बाबा कभी कभी बाबा के गीत गा लेते तो नहीं, औरों को सुनाते हैं, विनाश सामने खड़ा है। अरे अकल से सोचने की बात है, जिसके सामने मौत का बाजार होगा, विनाश सामने बरपा हो रहा होगा, वो गीत गाएगा, ढोलक बजाएगा, मजीरे बजाएगा? ये ज्ञानियों की बात हुई। जो ज्ञानी है वो दो बातें नहीं करेंगे, जो अज्ञानी होते हैं वो ही 2 बातें करते हैं। दुनिया को कहते हैं विनाश सामने खड़ा है और खुद कंक्रीट मकान अंडरग्राउंड बनाते रहते हैं और गीत गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, बड़े बड़े जश्न मनाते रहते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं, 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं। उनको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? सत्य बाप के सत्य बोलने वाले सच्चे बच्चे कहेंगे या रावण के दोगले बच्चे कहेंगे? क्या कहेंगे? वो रावण के दोगले बच्चे हैं, इसलिए मुरली में बोला है न गीत गाना है और न गीत कानों से सुनना है। हाँ भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं, एक मणके के बाद दूसरे मणके, तीसरे मणके, चौथे मणके को सिमरन करते हैं, स्मरण करते हैं। अब एक बात पूरी हो लेने दो, तसल्ली नहीं है। ये माला फेरने का फाउंडेशन संगमयुग में पड़ता है। जो बाबा ने बोला है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 12-12 के 9 ग्रुप है ना, तो एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक मणका दूसरे मणके को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। इससे क्या साबित हुआ कि जो ऊपर वाला पावरफुल मणका है वो नीचे वाले मणके को बलात् खींच लेगा। और माला तैयार हो जाएगी। खींचेगा माना सिमरन करेगा, स्मरण करेगा या नहीं करेगा? जरूर स्मरण करेगा। जैसे भक्ति मार्ग के जो पुराने पुराने मंदिर हैं, उनमें 16,000 की माला भी दिखाई जाती है। उन 16,000 के मणकों को एक एक करके नहीं खींचा जाता। 5, 7, 8, 10 लोग मिलकर के माला को खींचते हैं। तब खींची जाती है। वो 16,000 की माला है, वो माला बनाना एक के बस की बात नहीं है। संगठित होकर के खींचेंगे। परंतु वो सेकंड क्लास माला है, नंबर 2 की माला है। उस माला में जो राज परिवार में ऊंच पद पाने वाली आत्माएं हैं, उनमें से बहुत एरी ऐसी हैं जो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगी और अंतिम जन्मों में जाकर के उनको कोट पतलून मिलेगी, मानी मोचरा जिसे बोला गया है। पहले संगम में मोचरा खाती हैं, फिर बाद में उनको मान मर्तबा मिल जाता है। ये माला रूपी संगठन का रहस्य है। माला अपने आप नहीं बन जाएगी। माला में स्नेह का धागा होता है। उस परमात्मा स्नेह के धागे में सारे ही मणके पुरोए हुए हैं। परंतु पुरुषार्थ के अनुसार कोई नीचे का मणका बनता है और कोई ऊपर का मणका बनता है। कोई परमात्मा बाप के नजदीक का बनता है और कोई दूर का बनता है। कोई राइटियस बनता है, कोई लेफ्टिस्ट बनता है। जैसे जैसे जिसके कर्म वैसी वैसी प्राप्ति होती है। ओम शांति।